वो जानबूझकर अपने भाई से झगड़ा कर रहा है। वे जानबूझकर सारे सबूत नष्ट कर देंगे। तुम जानबूझकर वहाँ जा रहे हो। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं जानबूझकर। जानबूझकर सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिलीवरेटली या फिर इंटेंशनली। डिलीवरेटली या फिर इंटेंशनली। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है डिलीवरेटली या फिर इंटेंशनली। आपके मन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्ब। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तुम जानबूझकर वहाँ जा रहे हो। यू आर डिलीवरेटली गो देयर। यू आर डिलीवरेटली गो देयर। और यू कैन से यू आर इंटेंशनली गो देयर। यू आर इंटेंशनली गो देयर। वे जानबूझकर सारे सबूत नष्ट कर देंगे। दे विल डिलीवरेटली डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस। दे विल डिलीवरेटली डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस। और यू कैन से दे विल इंटेंशनली डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस। दे विल इंटेंशनली डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस। तुम जानबूझकर सबके सामने मुझे नज़रअंदाज करती हो। यू डिलीवरेटली इग्नोर मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। यू डिलीवरेटली इग्नोर मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। और यू कैन से यू इंटेंशनली इग्नोर मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। वो जानबूझकर किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता। ही कांट हर्ट समवन्स फीलिंग डिलीवरेटली। ही कांट हर्ट समवन्स फीलिंग डिलीवरेटली। और यू कैन से ही कांट हर्ट समवन्स फीलिंग इंटेंशनली। वो जानबूझकर अपने भाई से झगड़ा कर रहा है। ही इज़ डिलीवरेटली क्वारलिंग विथ हिज ब्रदर। ही इज़ डिलीवरेटली क्वारलिंग विथ हिज ब्रदर। और यू कैन से ही इज़ इंटेंशनली क्वारलिंग विथ हिज ब्रदर।